बहुत आभारी हूँ दिल्ली स्टडी ग्रुप का और देवानंद फैन क्लब का, जिसके नेता मंच पर उपस्थित हैं, सभा में उपस्थित हैं और जिसके कारण अकेले देवानंद जी को नहीं, उनके सुपुत्र सुनील आनंद जी को ही नहीं, लेकिन मैं इस देश में जो इन तीनों भाइयों चेतनानंद विजयानंद देवानंद, तीनों ने जिस प्रकार से दर्शकों की सेवा की है मनोरंजन के क्षेत्र में, और अभी भी कहा गया कि सामान्यतः लोग यहाँ पर भी जो आए हैं ये देवानंद के भक्त होंगे, राजनीति से संबंध नहीं होगा, स्टडी ग्रुप के लोग भले ही देव राजनीति से भी संबंधित हों, कोई किसी में चुका नहीं, किसी में पार्टी के कैंपेनर के नाते, किसी में कैंडिडेट के नाते, बोल और मुझसे कोई पूछे कि हिंदुस्तान के राजनीति में कौन सा ऐसा अवसर आया जबकि देश ने जो लोकतंत्र स्वीकार किया वह समाप्त होने वाला था, तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा एक समय आया 1975 में जो कि एक दो साल तक रहा केवल, लेकिन वो संकट ऐसा था कि जब लगा कि अब इसके बाद हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचेगा नहीं, और मैं जिनका नाम मैंने लिया तीनों का, उनसे परिचय मेरा जो है वह तो दर्शक के नाते तो लगातार बचपन से फिल्में देखता था इसलिए था, और जो कलाकार होते हैं या निर्देशक होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं या लेखक होते हैं वे दर्शकों को नहीं जानते, लेकिन क्या हुआ कि 1977 में जब पहली बार हिंदुस्तान में एक दूसरी सरकार बनी जो पहले कभी नहीं थी, तो उसमें मुझे सूचना प्रसारण मंत्री का दायित्व मिला, तो जिन लोगों को मैं केवल दर्शक के नाते जानता था वे भी मुझे जानने लगे और उनसे परिचय हुआ। मेरा पहला परिचय देवानंद जी से, विजयानंद जी से, चेतनानंद जी से उस काल में हुआ जब मैं सूचना प्रसारण मंत्री था, और मुझे जिस बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया उनकी जो प्रतिभा थी जो फिल्मों में दिखती थी, संगीत का भी जो चयन था, मुझे कोई कहता है कि आप किसी फिल्म के गीत ज्यादा पसंद कौन से करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि एक गीत पूछोगे तो भाभी की चूड़ियां कहता होगा, लेकिन सब गीत कहोगे तो मैं कहूँगा कि हम दोनों यहाँ आ रहा आया था तो उस समय और इस नाते उनकी जो प्रतिभा है जो फिल्मों में दिखाई थी उससे तो परिचित था, लेकिन बहुत कम लोग परिचित होंगे कि जिस समय देश में लोकतंत्र के लिए संकट पैदा हुआ तो जिस प्रकार से हम लोगों ने जो राजनीति में थे जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक संघर्ष किया, और जिस संघर्ष में से 1977 में लोकतंत्र फिर से स्थापित हुआ उसमें अगर कोई फिल्म के कलाकार थे जिन्होंने इस संघर्ष में साथ दिया तो वो देवानंद जी थे, चेतनानंद जी थे।